The uh, public uh, transport and so on. I will uh, briefly talk later on. So, without taking time, I am now inviting to next speaker, uh, who is uh, actually uh, a social activist, uh, Gopal Javeri sir. Big clap should be for the sir. <laughs> sir is the social activist, and uh, I think uh, it's a very enthusiastic uh, personality. So, sir, without taking time, please, uh, sir. My now, dear sir. brother and sister. ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस इस स्टेज से ज्यादा लायक किधर नहीं हो सकता सो वन क्लैप फॉर स्वामी विवेकानंद जी माय डियर्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज फ्रेंड्स आई एम नॉट अ आई ऑफिसर नॉट अ प्रोफेसर नॉट अ प्रिंसिपल नॉट हैविंग एनी डेटा टू शेयर विथ यू सो प्लीज अप जो जो सोए हुए अपने आजू बाजू वाले से उठा लो आई है वेरी फनी थिंग्स टू शेयर विद यू ऑल सो प्लीज गेट अप अपल्फ वेरे एवर यू आर गुड मॉर्निंग सो कैन आई टेक प्लीज प्लीज सी बहुत सारी चीजें बोली गई मुंबई के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स देता हूं मुंबई के बारे में देख लीजिए मुंबई एक ऐसा सिटी है जिससे 66 मिलियन इयर्स पहले फॉर्म हुआ आज गिलबर्ट हिल अंधेरी स्टेशन के पास है ठीक है मुंबई को माया नगरी बोलते हैं क्योंकि मुंबई परशुराम भगवान ने बनाया था क्योंकि उनको वहां से तुंगारेश्वर शंकर गया भगवान राम ने वालकेश्वर में बाण माल के बाणगंगा मनाया वहां से हिस्ट्री चालू हो रही है मराठा आए पोर्टुगज आए सल्तनतें आई ब्रिटिशर्स आए हम सबको हिस्ट्री मालूम है बट यू नो कि मुंबई इज द सिटी ऑफ केव्स, मुंबई में स्तूपा है हाँ नालासोपारा में स्तूपा है मुंबई में बुद्धिस्ट केव्स है मुंबई इज द सिटी ऑफ टेम्पल सब लोग बोलते हैं कि वाराणसी इज द सिटी ऑफ टेम्पल बट द मुंबई इज द ओनली सिटी इन वर्ल्ड विच इज नॉट द मॉस्क और द चर्चिज बट यहाँ पे सिनेकॉक भी है There is Japanese temple in Worli and Chinese temple in Mazgaon. It is the only city which is having all the religion of the world. Mumbai is the only city where you find the mountain, you found the forest, the rivers, you find the mangroves and the beaches and not this all. The our forest of Mumbai is having the world's highest population of leopard. The 250 species of Birds and 162 species of butterfly, which is not there in entire UK. The four rivers, which is comes out from Mumbai and goes to mangroves, the world's most beautiful Bengal uh, tiger, we're having a sundarban Mumbai is having they having a 18 species of mangroves. We having a nine species of mangroves, and still the worst pollution. You see, the Mumbai is uh, having firbi. मुंबई के अंदर डॉल्फिन विजिट करती है मरीन लाइफ जिंदा है जो लोकल ट्रेन को हम कोस रहे कि ऐसी है, वैसी है ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है वो 75 मिलियन पीपल मतलब 75 लाख लोगों को लोज लेके जाती है और कितना चर्चगेट से दानो वीटी से कर्जत कसारा पनवेल ये सब ट्रेन को जोड़ दो ना तो अर्थ का दिन में तीन राउंड लेती है दैट्स नॉट ऑल ये पचहत्तर लाख लोगों का सो कंट्री में इसका पॉपुलेशन भी नहीं है ये मुंबई मेट्रो है मुंबई की ट्रेने है ये भी यहां खत्म नहीं होता जिस बी को हम बोल रहे फोर्टी थ्री लैक्स पैसेंजर्स पर डे भी ये लेके जा सकते और ये सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम है जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सॉरी सेकेंड पुरानी सिस्टम है आफ्टर अ लंडन बस सिस्टम जो 900 घोड़े के साथ चालू हुई थी और इसको हम आज भी बोल रहे कि ये नई काम का है हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सब जगह है मैं मानता हूं पर इसका प्रॉब्लम है कि देर इज अ डेटा देर इज अ सॉल्यूशन हम चांद पे जा सकते हैं हम मार्स पे जा सकते हैं, जिसका खर्चा ऑटो के मीटर से कम आता है उतने में तो हम मार्स में जाके आए पर यहां ऑटो का परवड़ता नहीं है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वेर मुंबई इज गोइंग बिहाइंड प्रॉब्लम क्या है जो आज बात हो रही है सस्टेनेबल मुंबई की सबको मालूम है प्लास्टिक यूज नहीं करना है गैस का ये प्रॉब्लम करोड़ रुपीज का मुंबई स्टैंड स्टील में फ्यूल्स करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है हमारा रिवर का कंडीशन ये है सॉल्यूशन भी है मैं तो गूगल नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं तो गोपाल हूं गूगल तुम सब लोग के पास है अवेलेबल सोल्यूशन नहीं मिल सकते और मेरे पास कोई बड़ा चीज नहीं है सोल्यूशन जिस किताब में से क्वेश्चन होता है उसी किताब के अंदर सोल्यूशन होता है कि नहीं होता है आप इतने साल से पढ़ाई कर रहे हो जिस क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन जो बुक से आता है उसका जवाब कहां पे होता है उसी बुक में वो जवाब होता है डेवलपमेंट प्लान ऑफ अ मुंबई

कुछ तो भी गूगल स्लाइड अगर पॉसिबल है यहाँ पे तो ये साइड पे देखे कि ये एक एरिया है कांदीवाली का और यहाँ पे जो ब्लू लाइन से मार्क की हुई पूरी पो, रिवर है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड और जितना भी रेड मार्क का एरिया है ना ये स्लम्स है 65 फाइव परसेंट ऑफ मुंबई इज इन स्लम्स नेक्स्ट स्लाइड लेना वो रेलवे लाइन है ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है अविनाश नेक्स्ट स्लाइड तो ये जो पूरा कंडीशन है आज इतना देख रहे हो ऐसे डेवलपमेंट प्लान है जो व्हाट्सएप पे सॉरी आप एप डाउनलोड करके ये प्लान को देख सकते हो अभी इस प्लान के अंदर जितने भी येलो मार्किंग्स है उतने रोड्स ही मिसिंग है जहां जहां भी रहे ये मिसिंग रोड्स है ये मिसिंग रोड्स मुंबई के 50 परसेंट रोड है ना जो प्लानिंग में है 67 से पचास साल हो गए हमने वो रोड को इम्प्लीमेंट नहीं किया और हम उसका आंसर ढूंढ रहे हैं जो डीपी प्लान के अंदर है। दूसरी बात है ये डीपी प्लान खाली मैंने एक जगह का बताया क्योंकि आज टाइम नहीं है यहां से आप अगर माइम जंक्शन पे जाते हो माइन जंक्शन पे तीन रोड आके मिलती है वीर सावरकर रोड लेडी जमशेदी रोड तुलसी पाइपलाइन रोड और एक बॉटल नेक पे आप माइन कॉस पे डालते हो बाकी की रोड प्लान में थी नहीं क्या उसको क्या सबब से कनेक्शन नहीं है है तुलसी पाइपलाइन रोड जैसे माहिम चर्च में राइटर थी सबब में कनेक्शन है धारावी टी जंक्शन जिसको बोलते हो आगे के वो क्रॉस जंक्शन आगे के रोड मिसिंग है वैसे मुंबई की फिफ्टी परसेंट रोड डेवलपमेंट प्लान में पचास साल से मिसिंग है ये लापता सड़के मुंबई का ट्रैफिक बनाती है। दूसरी बात है पार्किंग हम सबको मालूम है कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए हमने बसेस यूज करनी चाहिए हमने प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं यूज करनी चाहिए पर क्या प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल बात यह करते हैं कि मुंबई के अंदर व्हीकल रहने वाले हैं जबी मोबाइल उन्नीस रू, अठारह रुपया और आठ रुपया इनकमिंग और आउट गोइंग था ना यूज करना प्रॉब्लम होता था आदमी काट के मोस्ट ऑफ योट फ्रॉम दैट जनरेशन सब इस साल के हो आप लोग पर ऐसा था कि लोग मोबाइल को काट के पीसीओ ढूंढते थे कि भाई अठारह रुपया नहीं परवड़ेगा आठ रुपया नहीं परवड़ेगा इतना अबंडेंस पार्किंग मुंबई क्रिएट कर सकता है जितना भी बीएसटी के स्टॉपेजेस है बस स्टॉप से 400 एकड़ में बीएसटी के पास प्रॉपर्टी है जो बेची जा रही है कुरला डेपो बेच दिया उसी डेपो बेच दिया आज उस प्रॉपर्टी पे अगर वर्टिकल पार्किंग बनाते हैं बीएसटी एस विलान मनी और रिक्शा और टैक्सी जो रोड पे, पे पेट्रोल की लाइन लगाते हैं ना वो रोड से उसके अंदर आ जाएंगे उसका पैसा भी बीएसटी पंप्स को मिलेगा पर नहीं ये थॉट प्रोसेस ये हमको पैदा करना है लोगों में ऐसा नहीं है बुक के अंदर नहीं है मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं पर गूगल से बाहर जाके भी कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि हर चीज गूगल के अंदर होती तो हर चीज सॉल्व होती और ये चीज में उससे भी बाहर नहीं ये ऐप के अंदर आप डेवलपमेंट प्लान उठा हुआ मुंबई का 2040 34 और सब चीजें मार्क्ड है और हर चीज को आपको देखना पड़ेगा और हर चीज आप बड़ी नहीं बना सकते हर चीज बेस्ट बना सकते और ये बेस्ट मुंबई को क्रिएट करना पड़ेगा दिस विल क्रिएट क्योंकि मैं जिस हिसाब से मुंबई के लिए बात किया आपने कि इट इज जस्ट टेकिंग द हंड्रेड कंट्रीज खाली ट्रेन में लेके जाता है 50 लेक्स इज द फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक अहमदाबाद रोज सुबह इधर आता है शाम को वापस घर चले जाता है ये सिटी में ताकत है जिस सी वार्ड को हम गंदा गंदा बुलेश्वर काल्बा देवी बोलते हैं कभी उसको बराबर से मैप में देखना कि क्राफर्ड मार्केट से लेके पाइदुनी तक आपको दुनिया की कौन सी चीज नहीं मिलती आपको वहां पे डायमंड मार्केट से लेके जवेरी बाजार से लेके क्लोथ मार्केट उसको जैसे प्रोफेसर ने बात किया कि उस एरिया को नॉन ट्रैफिक एरिया करेंगे तो वर्ल्ड का बिगेस्ट मॉल है वो जाके अंदर दुनिया के हर धर्म से हर रीति रिवाज के साथ लोग रह सकते हम उसको दुनिया को सोकेस कर सकते टाइम स्क्वेयर से बड़ा टाइम बॉम्ब वो फाड़ सकता है दुनिया का पर हमारा जो विलिंगनेस है वो कैसे क्रिएट करना है दैट इज क्रिएटेड बाय हार्ट नॉट बाय गूगल डेटाज है डेटा अवेलेबल है सोल्यूशन अवेलेबल है सजेशन अवेलेबल है भी अवेलेबल है और हम कर रहे ऐसा नहीं है नहीं कर रहे नहीं तो आज मुंबई हिंदुस्तान को 25 टका इनकम टैक्स देता है हिंदुस्तान को हम आज की तारीख में 28 परसेंट रेलवे रेवेन्यू देते हैं 6.43 परसेंट इंडिया का जीडीपी में मुंबई का हक है और इसके साथ 50% परसेंट यहां से जो चीजें एक्सपोर्ट होती इस लैंड से होती है और इसके बावजूद भी 40 लोग रोज ट्रेन से इसी जगह से मरते हैं क्योंकि मुंबई कर बोलता नहीं दिस इज द वे यू हैव टू टॉक कि मुंबईकर ने बोलना चाहिए कि ये 40 लोगों में से कल हमारा और तुम्हारा भाई होगा दोस्त होगा क्योंकि ये मांगोगे तो मिलेगा मुंबई देता है सिर्फ इंडियन मैप का पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट लैंड हम यूज करते हैं और साढ़े तेरा घंटा एक मुंबई कर काम करता है दुनिया का कोई सिटीजन साढ़े तेरा घंटा काम नहीं करता एंड दिस इज द फैक्ट और फिर भी पॉल्यूशन 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 है पर कहां से है सॉल्यूशन भी है कहां से है? हमारे पास है साथ में चलो साथ में मिलो और मैं मुंबई मार्च टीम से हूं आई एंड विवेकानंद अपॉर्चुनिटी दी थैंक यू सो मच फॉर फॉर मुंबई थैंक यू सर आई थिंक सर आप सब जागे अभी yes. i uh, really thank you gopal sir you just uh, i think uh, given the real speech big <laughs> clap should be for this sir uh, thank you sir and in that same i think uh, uh, spirit i will try to keep two three uh, views uh, from the economics background because i'm professor from economics uh, and uh, university of mumbai so i think uh, uh, which i also studied about the mumbai and uh, which the connect subject uh, which is very very relevant to the youth i think sustainability or sustainable mumbai because uh, all the consumption which is going to rise and uh, really we will keep this uh, saving to the future generation